तो ह्यूमिक एसिड डाल देने के बाद मेरे प्लांट्स में जो इतनी अच्छी ग्रोथ आई, और तो और जो इतनी अच्छे अपडेट्स मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ डेली डेली, वो एक्चुअली में ह्यूमिक एसिड के कारण ही है। और तो और जो मेरे प्लांट्स में थोड़े कीड़े भी लग गए थे, और जब मैंने ह्यूमिक एसिड का उसके ऊपर जब मैंने फर्टिलाइज़र डाला तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले मुझे। तो आप लोग के साथ भी मैं आज ही का अपडेट और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा अपने ह्यूमिक एसिड के साथ, जो कि बहुत चमत्कारिक है और तो और बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल आप लोग का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल द गिरी बाग पे। और चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम छोटी सी नोटिफिकेशन कि जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो लोग हमारे चैनल द गिरी बाग को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। तो फ्रेंड्स, ह्यूमिक एसिड एक्चुअली में है क्या? ह्यूमिक एसिड 3 से 4 सब्सटेंस का मिक्सचर है, जो कि एक फर्टिलाइज़र के रूप में काम करता है। और तो और इसके रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन आते हैं। इसको बनाने का तरीका मेरे चैनल दागिरी बाग पे अपलोडेड है, अगर किसी को वो चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बाकी अगर मैं नहीं डाल पाता किसी कारणवश या किसी और प्रॉब्लम के कारण, तो आप लोग मेरे चैनल पे विजिट करके एक बार से ज़रूर स्क्रॉल कर लेना। बाकी मैं आप लोग को शॉर्ट में बता देता हूँ कि ह्यूमिक एसिड बनाया किस जाता है। तो बहुत सिंपल ही है, ना केवल मैं आपको बताऊँगा, आपको दिखाऊँगा अभी कि ह्यूमिक एसिड एक्चुअली में मैंने बनाया कैसे है। ये देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर कुछ उपले पड़े हुए हैं। तो हाँ जी, ह्यूमिक एसिड बनाने के लिए आप लोग को चाहिए कुछ उपले, और आप लोग ले लीजिए 2 से 4 टेबल स्पून बेसन, जो कि माइक्रोब्स का खाना बनेगा, और गुड़ यानी जैगरी से उसकी संख्या बढ़ेगी। तो ये 3 चीज़ चाहिए। बाकी आप लोग उसमें थोड़ा और मिट्टी डाल दीजिए, जो कि माइक्रोब्स को फर्टिलिटी प्रोवाइड कराएगा, और उससे जो आपके प्लांट्स या जो आपका फर्टिलाइज़र बनेगा वो काफ़ी बेहतर बनेगा। तो अब मैंने आप लोग के साथ ये तो शेयर कर दिया कि आखिर कैसे बनाएं हम ह्यूमिक एसिड, और अब चलिए जानते हैं किसको डालना कैसे है। तो ये है रेशो 80:20 हमारे ह्यूमिक एसिड के लिए, जो कि हमारे पौधे को बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अगर बात की जाए वाटर, तो उसका रेशो रहेगा 80%, और अगर बात की जाए हमारे ह्यूमिक एसिड की तो वो रहेगा 20:20, यानी कि 20% खाद में 80% पानी मिला के हमें उसे अपने पौधों में देना है। क्योंकि ह्यूमिक एसिड की जो तासीर यानी जो नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो हमारे पौधे को ठंड में एक तो वो बचाएगा, और साथ ही साथ बहुत सारे उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होता है जो कि हमारे पौधे में तुरंत टॉनिक का काम करेगा। अगर आपके पौधे कई दिन से नहीं बढ़ रहे, लेजी लेजी से हो रहे हैं, यानी बहुत धीरे धीरे उनकी ग्रोथ हो रही है, तो ह्यूमिक एसिड डालने के बाद ही आप उसमें तुरंत चमत्कारिक रिजल्ट्स पाएंगे। और बहुत ही अच्छा ह्यूमिक एसिड रहता है। मैं अपने प्लांट्स में काफ़ी टाइम से ह्यूमिक एसिड का ही इस्तेमाल करता हूँ। एक्चुअली में ह्यूमिक एसिड में इतने सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं, इतने सारे माइक्रोब्स होते हैं कि आपके पौधे को फटाफट आपकी नज़रों के सामने ही इंक्रीज़ करेगा, बहुत जल्दी उनकी ग्रोथ बढ़ाएगा। और ना केवल ह्यूमिक एसिड आप लोग गोभी, टमाटर और बैंगन में डालें, आप लोग अपने जितने भी क्रीपर्स वाली जो सब्जियां हैं उन सब में भी डाल सकते हैं, जैसे कि लौकी, कद्दू, तरोई, लौकी। साथ ही साथ जो आपके ऑर्नामेंटल प्लांट्स या जो आपके डेली वाले प्लांट्स हैं, जो कि आप लोग के टेरेस पे परमानेंट रहते हैं, आप लोग उसमें भी डाल सकते हैं। या अगर कोई कंद वाला फूल है, जैसे कि अमेरिलिस लिली, साथ ही साथ मैं उसे अपने पौधे गुड़हल यानी हिबिस्कस अड़हल में भी यूज़ करता हूँ। और इसके रिज़ल्ट ये हैं कि मेरा पौधा पहले तो एकदम मर सा रहा था, पर इसकी एक बार मैंने प्रूनिंग करी, उसके बाद जैसे ही मैंने इसमें ह्यूमिक एसिड डाला, 15-15 दिन के इंटरवल में इसके अंदर खूब सारी कलियाँ आने लगी। तो ह्यूमिक एसिड ना केवल आपके पौधे की साइज़ भी बढ़ाएगा, आपके पौधे को माइक्रो न्यूट्रिएंट भी देगा, बल्कि उसमें फल और फूल लगने की क्षमता भी बढ़ाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी सारी कलियाँ मेरे इस पौधे में आ रही हैं। साथ ही साथ मेरा चंपा का पौधा है, यानी कि इसके कुल मिला के मेरे कहने का ये मतलब है कि इसके अंदर की ग्रोथ भी आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग थी। जब मैंने इसके अंदर डाला तो इसके अंदर ही फटाफट ये फ्लावर स्टिक निकल आई, और इसके अंदर भी बहुत अच्छे से फूल आ रहे हैं। तो मैंने आपको इसका यूज़ बताया, कैसे बनाएं ये बताया, इसका यूज़ बताया, इसके अंदर कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं ये बताया, और अब जान लीजिए कि इसको हमें ऐड कब करना है। तो 15 से 20 दिन के इंटरवल पे आप लोग इसको यूज़ भी कर सकते हैं।